हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कपिल तैल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल कपिल तैल बॉक्स। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं वो है होटल, कि आप कम से कम दाम पे रह सके। तो दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरी वीडियो देख रहे हैं जो व्यूवर्स, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, और लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मैं यूं ही ग्रो करता रहूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो है होटल के ऊपर में। आप मात्र और मात्र 190 रुपये में एक दिन ठहर सकते हैं। ये जो जगह है चांदनी चौक और खरी बावली के बीच जो कट है, जिसे फतेहपुरी के नाम से जाना जाता है, ये उस जगह की मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया 190 रुपये, ये हॉल जैसा होता है, इसमें 10 बेड जैसे लगे रहते हैं। तो आपको यहाँ पर आपको एक बेड दिया जाएगा, आप उन पे रह सकते हो, पर ये हॉल जैसा रहता है। अगर आपको प्राइवेसी, जैसे आपको सिंगल रूम लेके रहना है तो उसका किराया अलग लगेगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ हॉल का भाड़ा है, आप उसमें आपको एक बेड दिया जाएगा, आप उसमें रह सकते हो। और दोस्तों, एसी रूम, आप जैसे एसी में रहना पसंद करते हो, तो ये मैंने जो पहले बताया था वो नॉन एसी है। अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको एसी रूम का बता रहा हूँ कि आप मात्र और मात्र 250 रुपये में रह सकते हो, पर ये भी हॉल की तरह होगा और यहाँ 15-20 बेड एक साथ ही होते हैं, तो आप वहाँ रह सकते हो। अगर आपको कुछ वहाँ पर में वैसा काम, जैसे प्राइवेसी ना, मतलब आप लोगों के साथ मिलके रह पाओगे वहाँ पर में, प्राइवेसी वैसी चीज़ नहीं रहेगी। अगर आप चाहते हो ना मैं सिंगल रूम रह करूँ, तो आपको मिनिमम कम से कम जो है 600 रुपये में आपको इस जगह पर रेंट पे मिलेगा। और आपको अच्छी चाहिए तो आप जितने भी अच्छा यहाँ पर ले सकते हैं, महंगे से महंगे यहाँ पर मैं होटल हैं और आपको यहाँ रहने की व्यवस्था हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा अभी यहाँ किस तरह से होटलें हैं। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं अभी फतेहपुरी पे, तो हमारी वीडियो यहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए, आप सड़कों के दोनों किनारों पे आपको यहाँ होटलें देखने को मिल जाएंगी। तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, होटलें आती रहेंगी। और यहाँ एक धर्मशाला भी है, बहुत ही अच्छी है, आप वहाँ रुक सकते हैं, पर आपको सिंगल ठहरने को आपको वहाँ नहीं मिलेगी। वो आपको फैमिली, अगर आप लेके जाते हो या आप 2-3 जन हो आप, तो आपको शायद वहाँ ठहरने को मिल जाए। वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। होटलें आपको देख रहे हैं आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ होटलें। तो मैं चाहता था कि आपको होटल का भी व्यू दूँ, इनसे मेरी बात हुई थी पर इन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी है। मैंने इनको कहा था कि मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ, कि आपको दिखाना चाहता हूँ कि होटल का लुक कैसा है और किस तरह की यहाँ क्या क्या सर्विसें मिल जाती है आपको, पर इनसे मुझे परमिशन नहीं मिली है। तो मैं आपको आज बाहर से ही आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ किस टाइप की और कैसी व्यू है यहाँ का। तो आप यहाँ देख के आप यहाँ आएंगे तो आपको समझ में मिल जाएगा, इस वीडियो से आपको हेल्प मिल जाएगी। और चलिए दोस्तों, मुझे यूं ही प्यार देते रहिएगा और मेरी वीडियो आप ज़रूर देखें और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं यूं ही ग्रो करता रहूं आपके आशीर्वाद से। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अभी फतेहपुरी पे। मैं रोज़ ही जाता, मैं आज